निम्बल न्यूज द ट्रुथ अनफोल्ड। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है निम्बल न्यूज में। मैं हूं शिवम शर्मा और एक छोटी सी कहानी लेकर के आपके सामने आया हूं। निम्बल न्यूज की इस कहानी के एपिसोड में आपको कुछ संदेश देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं। आपको बता दूं कि जिस तरीके से आपने बचपन से लेकर के और अभी तक एक भारत के महान पुरुष के बारे में पढ़ा अवश्य होगा या सुना होगा, जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद। आज मैं उनके जीवन की एक छोटी सी घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि हम सभी को एक संदेश देगी। तो बात उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद नए नए सन्यासी बने थे और उनके अंदर लोगों के समान भाव रख करके समान भाव ना के बारे में इतना अध्ययन गंभीरता से नहीं किया था उन्होंने। हालांकि जब वो युवा अवस्था में थे तो गांव-गांव में जाकर के लोगों को संदेश देते थे और लोगों को इस बारे में उपदेश देते थे कि लोगों को दुर्व्यसन नहीं करना चाहिए और काफी धार्मिक बातें लोगों को बताते थे और उनको जागरूक करते थे। एक बार स्वामी विवेकानंद गाँव के एक इलाके से गुजर रहे थे तो अचानक गर्मी का मौसम था, तपती धूप पड़ रही थी तो अचानक उनको प्यास लगती काफी जोर से। तो देखते हैं कि पास के खेत में की मेड़ पे बैठा एक व्यक्ति है जो कि गांव का ही है, वो पानी पी रहा है। तो स्वामी विवेकानंद उसके पास गए और उनसे बोला कि भैया पानी मिल जाएगा क्या। तो उस व्यक्ति ने जब नजर ऊपर उठा करके स्वामी विवेकानंद को देखा और भगवा वस्त्रधारी देखा तो उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ते हुए क्षमा याचना की कि स्वामी जी मैं निची जात का हूं, मेरे हाथों द्वारा पानी पी करके मुझे पाप का भागी मत बनाइए। ये बात सुन करके स्वामी विवेकानंद आगे की तरफ चल देते हैं। जब कुछ दूर चलते हैं तो उनके दिमाग में एक सवाल उठता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो संन्यास धर्म अपनाया इसीलिए ताकि मैं लोगों के अंदर से जातिवाद खत्म कर सकूं। उन्होंने अपने परिवार का और सारी चीजों को त्याग करके इस जीवन को अपनाया और काफी सारे सवाल उनके मन में उमड़ने लगे। तो फिर वापस वो उल्टे पैर उस व्यक्ति के पास गए और उनसे बोला कि मुझे क्षमा कर दो भैया, आप जैसे निश्चल और परिश्रमी व्यक्ति के हाथ से पानी ना पी करके मैंने अपराध किया। और स्वामी जी ने उस व्यक्ति से पानी का लोटा लेकर के पानी पिया और ग्रहण किया और कुछ बातें उसको समझाई और बाद में उन्होंने काफी सारे संदेश, काफी सारे उपदेश लोगों को दिए। दिन प्रतिदिन काफी सारे संदेश देते रहे कि जातिवाद को खत्म कैसे करें। तो दोस्तों, ये कहानी छोटी सी थी और हमें एक बहुत बड़ा संदेश देकर के गई कि कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता है, जाति ऊंची या नीची नहीं होती, जाति ऊंची और नीची, व्यक्ति को ऊंचा और नीचा उसके कर्म बनाते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऊंची जाति का होकर के भी निम्न दर्जे के कार्य कर रहा है, अपराध कर रहा है, दुर्व्यसन कर रहा है तो वो नीची जाति का है। लेकिन कोई नीची जाति का होकर के भी अगर अच्छे काम कर रहा है तो वास्तव में वो एक बहुत ही महान पुरुष है। तो हमें एक दूसरे के अंदर जातिवाद ना देख करके उसके कर्मों को देखना चाहिए। तो ऐसी अनेक कहानियों को जानने के लिए बने रहिए निम्बल न्यूज के साथ। कहानी के अन्य एपिसोड लेकर के हम आपके बीच लौटेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहे निम्बल न्यूज़, क्योंकि यहाँ पे खबरों का सिलसिला रुकता नहीं है। धन्यवाद।